बोल लो विधायक जी, बोल लो बोल लो। हाँ बोल लो बोलो। तुम मारे आए बेगूसराय में, तुम बेगूसराय मारे आए हो। हमारे मारे कि ना है, मगर तुम जो इज्जत लैंग्वेज खराब कहे हो ना, हमारी लैंग्वेज खराब हो जाए तो इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ बोल लो तुम। हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चौथे चरण में आज 9 जिलों के 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहां दोपहर 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच फिर से भाजपा की गुंडागर्दी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिला सीतापुर की हरगांव विधानसभा के 147 में भाजपा विधायक पोलिंग बूथ पर आकर मतदाताओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। बोल लो विधायक जी, बोल लो बोल लो। हाँ बोल लो बोलो। तुम मारे आए बेगूसराय में, तुम बेगूसराय मारे आए हो। हमारे मारे कि ना है, मगर तुम जो इज्जत लैंग्वेज खराब कहे हो ना, हमारी लैंग्वेज खराब हो जाए तो इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ बोल लो तुम। हाँ चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्वीट कर समाजवादी पार्टी ने लिखा कि जिला हरदोई के संडीला विधानसभा के बूथ संख्या 136, 137, 138 पर बहुजन समाज पार्टी के अराजक तत्वों द्वारा मतदाताओं से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, कृपया संज्ञान ले चुनाव आयोग। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि जिला फतेहपुर की फतेहपुर विधानसभा 240 के बूथ संख्या 72 पर बीजेपी के लोग खुलेआम मतदाताओं को धमकी देकर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा चुनाव में खलल डाल रहा है, वोटिंग में खलल डाल रहा है और लगातार लोगों को धमका कर वोट करने के लिए कह रहा है, अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ एक अधिकारी ने एक वीडियो शेयर किया जिसे पत्रकार उत्कर्ष काजल सिंह ने फेसबुक पर डाला है कि ईवीएम टेम्पर या हैक करने के आरोप तो राजनीतिक दल लगाते ही रहते हैं, लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी में एक पार्टी के बटन को सिर्फ गोंद से चिपकाकर खेला करने की कोशिश की गई। मामला सामने आने के बाद ईवीएम को बदल दिया गया है और गोंद लगाने वाले आरोपी पर एफआईआर की जा रही है। वहीं इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चुनावी रैली के दौरान भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा हम पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। परिवार का दुख दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं, जिनके परिवार नहीं वो परिवार के दुख दर्द को क्या समझेंगे। अगर किसी ने मदद की थी उन मजदूर भाइयों की, समाजवादी पार्टी ने 1,00,000 रुपए देकर मदद की। ये जो कह रहे हैं बीजेपी के वाले कि हम बहुत परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, आपने अखबार में पढ़ा होगा आपके बगल में बहराइच एक परिवार नेपाल से चला था, लेकिन जैसे ही नेपाल में लॉकडाउन लगा वो वापस नहीं जा पाए। उन्होंने आगे बढ़ गए, उन्होंने देखा शायद अपने देश वापस आ जाएंगे, यहां भी लॉकडाउन लग गया, यहां से भारत नहीं आ पाए। वो गर्व की मां थी, उसके बेटा पैदा हो गया बॉर्डर पे, घर परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। ये मेरा इसलिए पता कर देना, जिस समय मैंने अखबार में पढ़ा मेरी बेटे का नाम लॉकडाउन रख दिया, लॉकडाउन के समय पर वो नेपाल से भारत आना चाहता था लेकिन परिवार नहीं पहुंच पाया। उसके बाद अगर किसी ने मदद की किसी परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उस लॉकडाउन बेटे को 1,00,000 रुपए भेजवा करके मदद की। तो लगातार समाजवादी पार्टी भाजपा पर हमलावर है और लगातार ट्वीट करके चुनाव आयोग को जानकारी दे रहे हैं कि भाजपा किस तरह वोटिंग में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है और जबरदस्ती वोट कराने की कोशिश कर रही है। तो खैर आज चौथे चरण की वोटिंग है और लगभग 56% वोटिंग हो गई है और लगातार वोटिंग जारी है। तो अगर आप भी उस क्षेत्र से आते हैं तो जाकर वोट करें और इन आरोप प्रत्यारोप में बिल्कुल ना पड़े। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।